यहाँ पर जिन पर लाठियां बरसाई गई हैं, करनाल किसानों पर जमकर यहाँ पर लाठियां भांजी गई हैं। पुलिस ने यहाँ पर लाठी चार्ज किया है, प्रदर्शन कर रहे किसानों पर यहाँ पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये बड़ी खबर करनाल से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसान लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर पुलिस का लाठी चार्ज यहाँ पर किसानों पर हुआ है। लाठी चार्ज की तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे जहां पर किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। और ये तस्वीरें देखिए ऐसे में सामने आती हुई जहां पर किस तरीके से यहां पर रोड पर जो किसान मौजूद थे, जो पहले से यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर यहां पर लाठियां भांजी गई हैं पुलिस कर्मियों की तरफ से। पुलिस कर्मी काफी संख्या पर वहां पर मौजूद और उसके बाद यहाँ पर जमकर बरसी है लाठियां। पुलिस वाले किसानों को खदेड़ते वहां से नजर आए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लाठी चार्ज हुआ है। और रवि सराफ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, अचानक से किसानों पर लाठियां क्यों भांजी गई हैं यहाँ पर करनाल में? हाँ बिल्कुल शिवांगी, देखिए आपको बताया था कि करनाल में किसान जो है वो बीजेपी नेताओं का रास्ता घेराव कर रहे थे, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने और जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि हरियाणा के कई ऐसे टोल हैं जहां पर किसान अब इकट्ठा हो गए हैं और टोल को बंद कर दिया गया। कई हाईवे, कई रास्तों पर अब किसान जो है उतर आए हैं और लगातार जो है अब हाईवे को रोकने की कोशिश की जा रही है, टोल को रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं का गुजरने का वहां पे कार्यक्रम था करनाल से, तो किसान जो है रास्ता रोकना चाह रहे थे, उनको काले झंडे दिखाना चाहते थे, विरोध जताना चाहते थे, पर पुलिस ने अचानक से लाठी भांजना शुरू कर दिया और इसमें कई किसानों की जो है सर फूट चुके हैं, हाथ पैर में चोट आई है और कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं इस लाठीचार्ज में। तो अब स्थिति हरियाणा की अब लगातार बदलती जा रही है और पंजाब में भी अब कहीं ना कहीं जो ये लाठीचार्ज हुआ उसका असर देखने को मिलने लगा है। किसान जो है टोल का घेराव करने लगे हैं, हाईवे पर किसान आने लगे हैं। करनाल की बात कर ले, पानीपत की बात कर ले, कई जिलों की बात कर ले, झज्जर की बात करें तो हरियाणा में अब जो है किसान सड़क पर बैठने लगे हैं और टोल को जाम करने लगे हैं। ये पहले से कार्यक्रम लगातार किसान करते रहे। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर अगर बात करें, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जब भी बीजेपी नेताओं का कोई कार्यक्रम लगा है, काफिला गुजरा, तो किसानों ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताया है बीजेपी नेताओं का, क्योंकि तकरीबन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसान आज भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और विरोध जता रहे थे। ऐसे में बीजेपी नेताओं का घेराव करने का भी इनका कार्यक्रम होता है, काले झंडे दिखाने का भी कार्यक्रम होता है और अचानक से पुलिस ने इन तमाम किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो अब स्थिति हरियाणा की बदलती जा रही है और किसान अब सड़क पर बैठने लगे हैं, हाईवे को जाम करने लगे हैं और स्थिति हरियाणा की अब कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। तमाम हाईवे की जो रफ्तार है वो रुकती हुई नजर आ रही है शिवांगी। बिल्कुल रवि, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई किसान हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कुछ किसान यहाँ पर हमने देखा तस्वीरों में जमीन पर भी पड़े हुए हैं। क्या गंभीर रूप से वे घायल हुए हैं यहाँ पर कुछ किसान? बिल्कुल, देखिए कई किसान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं क्योंकि जिस तरह से अचानक पुलिस ने एक लाठीचार्ज कर दिया और एक किसान पर कम से कम 10-12 पुलिस वाले लाठीचार्ज करने लगे, पीटने लगे, तो जाहिर सी बात है कई किसानों के सर फूट चुके हैं, हाथ टूट चुके, कई ऐसे विजुअल वहां से निकल कर आ रहे हैं जिसे शायद टीवी पर दिखाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि किसान सफेद शर्ट पहने और सफेद शर्ट खून से लाल हो गया, तो इस तरह का मंजर है और काफी स्थिति जो है खराब होती जा रही है। और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, अब किसान उग्र हो चुके हैं और तमाम जिलों में जिस तरह से खबरें फैल रही है, टोल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हाईवे पर किसान जो है डट गए हैं, बैठ गए हैं और लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए पहले भी जिस तरह से जब से आंदोलन चल रहा है तब से सरकार से वार्ता करने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से और बात बन नहीं पा रही है। तो ऐसे में किसानों का प्रोग्राम लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट के समय में किसान ने अपना अलग से पार्लियामेंट बनाया है जंतर मंतर के पास, वहां पर वो अपनी बात रखते रहे और अब कहीं ना कहीं किसानों की पूरी तैयारी है कि बीजेपी के जो तमाम नेता के कार्यक्रम होते हैं या काफिला गुजरता है तो उसे काले झंडे दिखाकर विरोध जताया जाए। यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा है किसानों का। तो आज एक करनाल में जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई किसान जो है जख्मी हो चुके हैं, उन तमाम किसानों को अब एक एक करके अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, उनको इलाज दिया जा रहा है ताकि जो चोट लगी है उससे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। परिस्थिति अभी अगर बात करें शिवांगी, हरियाणा के फिलहाल ठीक नहीं है। तमाम टोल पर किसान जो इकट्ठा होने लगे हैं, भिवानी में, जिंद, रोहतक, सिरसा, तमाम जगहों पर जो है हाईवे जाम करने लगे हैं, किसान सड़क पर बैठने लगे हैं और लगातार अपना विरोध जता रहे हैं।
बिल्कुल रवि, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, जो हाईवे पर यहाँ पर किसान मौजूद थे पहले से ही, अभी वहां पर क्या स्थिति है जहाँ पर इस लाठी चार्ज की तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं, आप नजर बनाकर रखिएगा रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर किसान जिन पर भांजी गई है लाठियां, और आगे